हमारे यहाँ दो ब्लड डोनेशन कैंप चल रहे हैं, एक तो एसएन मेडिकल कॉलेज में ही चल रहा है और एक हमारा कैंप दूसरा अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से सिकंदरा में लगाया गया है। अमर उजाला फाउंडेशन कैंप में अभी तक हमारे 18 यूनिट ब्लड प्राप्त हो चुका है और अभी वो कैंप 4 बजे तक चलेगा तो मोस्ट प्रोबेबली 30 यूनिट्स हमें वहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। एसएन में अभी जो हमारा कैंप लग रहा है उसमें 20 यूनिट्स ब्लड अभी तक हमारे पास आ चुका है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील करूंगी कि वो एसएन मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक में आकर ब्लड डोनेट करें, क्योंकि हमारे यहाँ 980 बेडेड हॉस्पिटल है और इसमें 300 से 400 मरीज हमारे यहाँ डेली भर्ती होते हैं। हम निशुल्क सभी मरीजों के लिए रक्त एवं रक्त अवयव उपलब्ध करा रहे हैं तथा HIV केसेस, डेस्टिट्यूट केसेस, जो JSY के केसेस होते हैं, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इन सभी श्रेणी के मरीजों के लिए तथा जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं तथा डायलिसिस जैसे मतलब असाध्य बीमारियों से पीड़ित हैं, उन सभी के लिए हम निशुल्क के अलावा बिना रक्तदान दिए रक्त अवयव एवं रक्त उपलब्ध कराते हैं। और इन लोगों की सेवा हम तभी कर पाएंगे, इन्हें विदाउट रिप्लेसमेंट ब्लड तभी दे पाएंगे जब वॉलंटरी ब्लड डोनर्स हमारे साथ मैक्सिमम संख्या में जुड़े। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग हमारे एसएन मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक आएं और ब्लड डोनेशन के पुनीत कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। क्या लगता है मैम, जैसे यूपी की अगर आंकड़ों की बात करें तो औसतन कितने लोगों को रक्त की प्रतिदिन कितना यूनिट की आवश्यकता होगी, कितना स्पेंड करें? देखिए, यूपी में 10 से 12 लाख यूनिट ब्लड की रिक्वायरमेंट है सिर्फ यूपी में, और उसमें से 4 से 5 लाख यूनिट ही हमें प्राप्त हो पाते हैं। मतलब अभी भी 50% जो केसेस हैं यूपी के वो विदाउट ब्लड की वजह से कई सारे लोगों को मृत्यु हो जाती है, उनकी जान नहीं बच पाती। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन 125 करोड़ होने के बाद भी हमारे इंडिया में आज भी